वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मी फारूक हसन एंड यू वाचिंग सीरियल्स पाकिस्तान। आज हम आपको बेहतरीन एक एक्सक्लूसिव घर हाउस टूर कराने जा रहे हैं जो कि फ्रेंच क्लासिकल आर्किटेक्चर बेस्ड है और एक बहुत लेजेंडरी मोस्ट फेवरेट आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है और जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। इस घर की अगर हम डिटेल्स की बात करें तो इस घर का जो प्लॉट साइज़ है वो 2 किनाल है, 40 करोड़ इसकी डिमांड है, 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, फुली फर्निश्ड है, फुली इक्विप्ड है, टॉप ऑफ द लाइन एंड लोकेशन है। जी तो आइए हम आपको इस घर का जो है हाउस टूर कराने जा रहे हैं और बहुत मोस्ट ट्रेंडिंग आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है फैसल रसूल साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, ग्रेट टू सी यू सर। तो ये हमारे जो है इस टाइम मार्केट के एक हॉट केक आर्किटेक्ट हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ट्रेंडिंग है और जो कि हम रिवील करने जा रहे हैं फैसल रसूल साहब को, कि लोग पूछते हैं कि जी फैसल रसूल साहब कौन है, उन्हें वो हमें नज़र नहीं आते, वो कहाँ पर होते हैं। तो आज हम जो है हाउस टूर कराने जा रहे हैं फैसल रसूल साहब के साथ। तो सर ये बताएँ कि कितने अरसे से आर्किटेक्चर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सर? थैंक यू फारूक फॉर द इंट्रोडक्शन। तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गया मुझे पाकिस्तान में काम करते हुए और हम शुरू से ही हाउसिंग में ज़्यादा हैं सेक्टर में और अभी भी इस घर ही बना रहे हैं। सिर्फ हमारा ये है कि हम लग्जरी क्लासिकल यूरोपियन स्टाइल में हम हैं, ठीक है, और सिर्फ उसी स्टाइल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसी में कोशिश तो बेसिकली जिस तरह आपने एक फ्रेंच आर्किटेक्चर जो है जो क्लासिकल आर्किटेक्चर आपने बताया, तो इसके एलिवेशन के बारे में बताएं कि ये कैसे डिफरेंट है और क्या इसमें टर्म इस एलिवेशन पे हम बड़े अरसे से मेहनत कर रहे थे। मेरे जहन में कॉन्सेप्ट्स थे जो ऐसा ऐसा हम डेवलप करते गए हैं, टीम्स को भी डेवलप किया है कि हमें ये वाला काम मिल सके जो हम यूरोप में, पेरिस में, बाकी जगहों पर हम फिरते हुए देखते हैं। ठीक है, प्योर क्लासिकल फ्रेंच एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। थीम बिल्कुल हमने यूरोप के लिए ख़ास तौर पे पेरिस के घरों से लिए हैं, उनकी बिल्डिंग से लिए हैं। डिटेलिंग भी आप देख रहे हैं बहुत इंट्रिकेट इसमें हुई है, सिमेट्रिकल प्रोपोर्शंस हैं, हर विंडो डिटेल्ड है, हर विंडो की फ्रेमिंग हुई है। बैल्कनीज ले लें, रॉट आयरन का जितना काम है, फ्लोरिंग पे आप कटवर का काम देख रहे हैं, बहुत इंटीग्रेट है। टाइम लगता है इस काम पे बहुत ज़्यादा, इस घर को बनने में भी तकरीबन 1.5 साल टाइम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट जी तकरीबन 1.5 साल कह लें, 3-4 माह तो पहले डिज़ाइन प्रोसेस में लगे हैं, ठीक है, फिर घर बनने में भी 1.5 साल लगा है। ठीक है, तो इस तरह की जो टेक्निकल लेबर होती है जो कि इस तरह के घर बनाती मिल जाती है ईजिली पाकिस्तान में? नहीं, बहुत मुश्किल है, सबको ट्रेन करना पड़ा है, बिल्कुल नई वोकैबुलरी थी पाकिस्तान के लिए, हर बंदा यहाँ ट्रेन हुआ है स्पेशली इस काम के लिए, चाहे वो स्टोन का काम है, स्टोन कार्विंग्स हैं, सीमेंट मोल्डिंग्स का काम है, सीलिंग्स के अंदर आप डिटेल वर्क देखेंगे अभी फारूक आपको दिखाएगा, सारे कामों के लिए टीमें ट्रेन हुई हैं और बहुत स्पेसिफिक टीमें हैं वो वाली। ठीक है, अच्छा एक मज़े का एलिमेंट मैं आपके अक्सर प्रोजेक्ट्स में देखता हूँ कि अगर आपका एलिवेशन थोड़ा बाहर से देखें तो बड़ी एक बैलेंस फ्रेम पिक्चर नज़र आती है, हर चीज़ का एक जो प्रोपोर्शन है वो बैलेंस नज़र आता है, विंडोज से लेके हर चीज़ एक बैलेंस पैटर्न पर। नॉर्मली आर्किटेक्चर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के घर बन भी रहे हैं और नॉर्मली ठेकेदार भी किस तरह के घर बना रहे हैं, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो ठेकेदार से लोग घर बनवाते हैं या जो आर्किटेक्ट से घर बनवाते हैं उसमें क्या फ़र्क है? जी बहुत फ़र्क है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि लोगों की बातों में ना आए, एक दफ़ा किसी अच्छे आर्किटेक्ट के पास चले ज़रूर जाएँ, उससे मिल लें, उनका काम देख लें, तो आपको वाज़े फ़र्क पता लग जाएगा कि एक अच्छे आर्किटेक्ट के काम में और एक आम लोगों के काम में क्या फ़र्क है। हमारे साथ तो रोज़ इस तरह की डीलिंग हो रही होती है, लोगों ने घर ख़राब किए होते हैं और फिर हमारे पास आते हैं और फिर उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और घर की लुक भी नहीं निकलती है। आर्किटेक्ट्स मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छा काम हो रहा है आर्किटेक्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों को समझने की बात है, लेकिन जब हम उनको ये वाले घर दिखाना शुरू हुए हैं तो लोगों अब समझना शुरू हो गए हैं, सेंसिबिलिटीज लोगों की बहुत बेहतर हो गई हैं और उनको अब डिफरेंस वाजे नज़र आ रहा है, तो ही हम लोगों के पास लोग आ रहे हैं। ये प्लॉट साइज़ ज़रा डिफेंस के 100x90 है, इस अ डिफ़िकल्ट प्लॉट साइज़, ठीक है, डेप्थ कम है इस प्लॉट की और फ्रंट ज़्यादा बड़ा है, तो उसको भी हमें भी बहुत टाइम लगा है उस प्लॉट को समझने में, उसके ऊपर घर डिज़ाइन करने के लिए। तो सिमेट्रिकल एलिवेशन बहुत मुश्किल है इन लंबे फ्रंट्स के साथ क्रिएट करने के लिए, लेकिन अब हो गई है, अब हो गई है, जैसे आप ये घर देख रहे हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल है, क्योंकि वो फ्रंट प्रोपोर्शन सही निकलती ही नहीं है जब तक इस घर को आप पूरी तरह से सिमेट्रिकली डिज़ाइन नहीं करेंगे, और इसके बावजूद आप लॉन साइज देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा डेप्थ है, हाँ जी, क्योंकि लॉन 2 किनाल के घर के लिए लॉन का बड़ा होना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सर ये बताएं कि सैयद बदस ही क्यों और सैयद बदस के साथ आपका कैसा ताल्लुक है?
जी सैयद भाई के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, कम अज कम 20 साल हो गए हैं मुझे सैयद भाई के साथ डील करते हुए। डिफेंस में मैं भी काम कर रहा हूँ, उन्होंने भी शुरुआत डिफेंस से ही की थी। अब तो खैर माशाल्लाह सैयद भाई बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन ये मेरा उन पर कॉन्फिडेंस की वाज़े निशानी ये है कि ये वाला घर पर्टिकुलरली पहली दफ़ा डिफेंस के अंदर हमने एक्सक्लूसिव सेल के लिए सैयद भाई को इसके राइट्स दिए हैं, ठीक है, और मेरा ये ख्याल है कि दे डिज़र्व इट, और इनकी इतनी रीच भी है, फ़ारूक़ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो सैयद भाई के ओनर्स हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक है, उनका ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है उनके काम में, जो बात करते हैं बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। तो आई एम सो सेटिस्फाइड कि पहली दफ़ा हम ये चांस ले रहे हैं कि ये घर सैयद भाई के पास एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ है सेल के लिए। तो इस घर की जो डिमांड है वो 40 करोड़ है, और बहुत एक्सक्लूसिव घर है, DHF Phase 5 की एक हॉट मार्केट है, और बहुत प्राइम लोकेशन है। सो अगर आप इस घर के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो कि फैसल साहब का एक्सक्लूसिव घर है, जो कि डिज़ाइनर प्रोजेक्ट है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और इस घर को विज़िट कर सकते हैं। तो ये जो है घर का जो है डबल हाइट रिसेप्शन एरिया है, जिसको हम लॉबी कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर कितना खूबसूरत है, और जिसका जो इंटीरियर है वो वन ऑफ माय फेवरेट जो इंटीरियर डिज़ाइनर है मिसेस समिया फैसल, जिनसे हम आपकी आज मुलाकात कराने जा रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपका? यस, गुड टू सी यू। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एम्बियंस है, और बहुत डिफरेंट एक आर्किटेक्चर है। नॉर्मली पाकिस्तान में आपने देखे ही होंगे, बल्कि आपके प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे होते हैं डिफरेंट, लेकिन ये एक बहुत डिफरेंट स्केल पे मैंने देखा आपने काम किया हुआ है। तो कैसा, क्या इसकी जो फिलॉसफी है इंटीरियर की, वो हमें बताएं कि वो किस तरह आपने मेहनत की है। जैसे कि आपको पता है कि घर का जो आर्किटेक्चर वो तो क्लासिकल है, सो इंटीरियर भी हमने क्लासिकल ही रखा है, और फ्रेंच क्लासिकल रखने की वजह से ये आर्किटेक्चर के साथ इजीली ब्लेंड हो गया है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमने इस दफ़ा जो दी है वो फर्नीचर को दी है, ताकि हमारा फर्नीचर एक्सक्लूसिव हो, जिसके लिए हमने दीवारें बेयर रखी हैं, और वॉल ट्रीटमेंट जो है सारी फ्रेंच वॉल ट्रीटमेंट है, वॉलपेपर का इस्तेमाल नहीं किया है हमने इस दफ़ा। और अपने फर्नीचर को इनहेंस करने के लिए आप देखिए हमने कार्पेट्स जो हैं बहुत एक्सक्लूसिव रखी हैं, हैंडमेड कार्पेट जी हाँ, सारी हैंडमेड कार्पेट है, एक्सेसरीज भी हमने बहुत एक्सक्लूसिव रखी हैं, ब्रास का इस्तेमाल हमने बहुत ज्यादा किया है अपने फर्नीचर में, ताकि सब चीजें मिलकर बहुत एक्सक्लूसिव एक टच दे दे। इसी तरह लाइट्स में भी हमने ब्रास का इस्तेमाल किया है, तो इन सब चीजों के ब्लेंड की होने की वजह से जो हमारा इंटीरियर्स है वो बहुत एक्सक्लूसिव हो गया। एक चीज मैंने नोट की है कि जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं फर्नीचर की और आपकी वॉल की, हर चीज में एक कनेक्टिविटी नजर आती है। ऑब्वियसली वो इसलिए है ना, क्योंकि हमने एक ही थीम पकड़ी है, ये फ्रेंच थीम पकड़ी, इसमें फर्नीचर की भी एक डिटेल्स होती हैं, और इसी तरह वॉल ट्रीटमेंट्स की भी एक डिटेल होती हैं, और जब आर्किटेक्चर भी फ्रेंच है तो हमने हर चीज को इस दफा बहुत पर्टिकुलरली सोचकर हमने इन सबको एलिमेंट्स को ब्लेंड किया है, ताकि एक्सक्लूसिवनेस आए। हाँ नहीं बिल्कुल, और जिस तरह मैं देख सकता हूँ कि सीलिंग्स में बहुत एक बड़ा यूनिक काम किया हुआ है, वॉल ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा एक बैलेंस्ड है, डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा है, और हर चीज़ एक बैलेंस पैटर्न पे भी नज़र आ रही है। फर्नीचर की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो कैसी क्वालिटी है इसकी? फर्नीचर तो इस दफ़ा मैंने बहुत हाई क्वालिटी का लिया है, इसमें सिर्फ फर्नीचर की क्वालिटी ना देखिए, आप वर्नियर की क्वालिटी देखिए, ब्रास की वर्किंग देखिए, फिर फायर प्लेसेज में ब्रास देखिए, हर चीज़ में बहुत इंटीग्रेटेड काम हुआ हुआ है। और आप देखें सीलिंग जो है ना, मैंने इस दफा अपनी फिफ्थ वॉल ली है, जैसा फोर वॉल्स होते हैं और इसको फिफ्थ वॉल कंसिडर किया है। आप देखें जो भी काम मेरी वॉल ट्रीटमेंट्स में हुआ है वही एक्सटेंड होके सीलिंग्स में हुआ है, इतना इंटीग्रेटेड काम, और इतना इसको क्लोजली वॉच करके एग्जीक्यूट करवाना इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली आपको पता है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता एक इंटीरियर डिजाइनर्स का एक ट्रेंड आता जा रहा है, सो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर से काम करवाना चाहिए या जो आजकल मार्केट में ड्राफ्टमैन बैठे हुए उनसे काम करवाना चाहिए मार्केट में इस तरह काम हो रहा है? मैं तो कहूंगी देखिए हर एक फील्ड का एक प्रोफेशन होता है, जैसे आर्किटेक्चर में आप आर्किटेक्ट्स के पास ही जाते हैं तो अच्छा मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है, तो इंटीरियर्स की फील्ड में भी ऑब्वियसली इंटीरियर डिजाइनर के पास जाना, लेमैन तो आपके पैसे भी खराब करेगा और वो आपका इफेक्ट भी नहीं आएगा ना, उसको क्या पता लेमैन को कि किस तरह ब्लेंड करना है, अगर कॉन्टेम्प्रेरी घर है तो उसमें कैसा फर्नीचर रखना है, और अगर
क्लासिकल है तो उसको किस तरह ब्लेंड करना है फर्नीचर के साथ। देखें ये एक आम फील्ड नहीं, आप किसी फील्ड को भी इजीली नहीं ले सकते। तो इंटीरियर इज नॉट एन इजी फील्ड, इट्स अ डिफिकल्ट फील्ड एंड यू मस्ट ऑलवेज गो टू प्रोफेशनल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक घर की जो जान होती है वो उसके इंटीरियर में होती Obviously. है, और बहुत सी हमें ऐसी क्वेरीज आती हैं, वो पूछते हैं कि जी इंटीरियर कहाँ से हुआ हुआ है। सो हमने सोचा कि आज एक ऐसी पर्सनालिटी को हम रिवील करने जाएं जिनकी एक अनथक मेहनत है, एक एक एक्सपीरियंस है और एक ब्रांड नेम है पाकिस्तान के अंदर। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह के एक्सक्लूसिव घर जो हैं आप देख सकते हैं और मज़ीद समिया फैसल साहब के, और हम इंशाल्लाह मज़ीद इस घर का आपको टूर कराते हैं। तो ये जो है हमारा, आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन और लॉबी एरिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत एक बड़ी बैलेंस टाइल जो है इसमें लगाई गई है, बड़ा प्यारा इसका कलर है, और आप देख सकते हैं कि इस पूरे इंटीरियर को लाइट कलर्स में ज़्यादा ब्लेंड किया गया है। डबल स्टेयर्स आपके सामने आर्किटेक्चर स्टेयरकेस हैं जो कि इस घर का एक मेन फीचर एलिमेंट है, और आप देख सकते हैं कि स्टोन कटिंग कितनी खूबसूरती से की गई है, और आप देख सकते हैं कि इसके इनले पैटर्न्स कितने ज़्यादा नुमाया है इसमें जो है। इसके अलावा अगर मैं आपको उसके मेन एरिया की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत एक मेजेस्टिक फीलिंग है इस लॉबी के अंदर, और एक फ्रेंच चैंडलर को जो है ड्रॉप किया गया है। पिलर्स आप देख सकते हैं कि फुली हाइटेड पिलर्स हैं, और इनके क्राउन्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि गोल्डन इंटीक पेंट जो है किया गया है। राइट और लेफ्ट साइड पे जो है हमें खूब एक खूबसूरत एंट्री नज़र आती है, और राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे सारी एक सिटिंग स्पेस मिलती है। जब भी आप इस एरिया में आए तो ये आपकी कॉमन स्पेस है। इस घर में राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि डबल एंट्री के साथ एक बहुत ह्यूज आपको स्पेस जो है वो डिज़ाइन हुई भी नज़र आती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा सिटिंग स्पेसेस दी गई हैं, बहुत खूबसूरत जो है फर्नीचर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि हैंडमेड कारपेट्स हैं और वुडन सॉलिड की जो है फ्लोरिंग्स हैं। इसी तरह बहुत डिटेल में काम किया गया है, हर चीज़ को ब्लेंड किया गया है, हर चीज़ में एक कनेक्टिविटी आपको नज़र आती है, और ये आपका एक ड्राइंग रूम एरिया है जहाँ पर आपके गेस्ट आ सकते हैं। सो इसके सामने ही आप देख सकते हैं कि वॉल ट्रीटमेंट में कितनी ज़्यादा डिटेल में काम है, और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो इसकी सीलिंग्स हैं, जो इसकी फिफ्थ वॉल है, जो कि इसकी सीलिंग्स की वॉल है, आप देख सकते हैं कि फुली हाइटेड है, तकरीबन 12 फुट जो है इसकी हाइट है। एक मेन हमारी जो है यहाँ पे आर्किटेक्चर फायरप्लेस मिलती है जो कि एक हमारा एक मेन एलिमेंट है इस एरिया का, और आप देख सकते हैं कि ब्रास में जो है इसको कस्टमाइज डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही एक हमें ओपन डिवीजन नज़र आती है, और साथ ही एक बहुत खूबसूरत जो है एक डाइनिंग टेबल रखा गया है, और इसमें तकरीबन 10 लोगों की कैपेसिटी है। पीछे एक बहुत खूबसूरत कंसोल है, बैक साइड पे हमें डबल ग्लेज विंडो मिलती है, नेचुरल लाइट का एलिमेंट आप इस डे टाइम में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो आपको देखें कि इसमें बहुत खूबसूरत जो है पेंट वर्क किया गया है, जिसमें जो ग्रेन्स हैं बहुत खूबसूरती से नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो इसका टेक्स्चर्ड है वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, वॉल पेपर से बहुत ज़्यादा ये बेहतर चीज़ है, और आप देख सकते हैं कि इसकी लाइफ भी ज़्यादा है और इसकी क्वालिटी भी बेहतर है। इसके साथ ही एक और हमारी सिटिंग स्पेस दी गई है, तो एक बहुत ह्यूज कैपेसिटी डिज़ाइन की गई है इस एरिया को यूटिलाइज करने के लिए। हमारा एक पाउडर रूम दिया गया है जिसको हम वॉशरूम भी कहते हैं, और इसको आपके गेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी जो एक एम्बियंस है और जो इसकी एक वाइब है वो बहुत एक लग्जरी है, और इसी तरह सीलिंग्स पे आपको जो है आप देखते हैं ग्लास नज़र आता है, बहुत खूबसूरत इसकी जो है वो वैनिटी है, और इसमें जितनी भी एसेसरीज इस्तेमाल की गई हैं सारी स्पेनिश और इटालियन है। तो अब मैं आपको इसके जो है लाउंज एरिया की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो जिसको आपकी फैमिली जो है इस्तेमाल करती है, और आप देख सकते हैं कि इसकी भी बहुत खूबसूरत डबल डोर एंट्री है। अमेरिकन एशवुड के जो है इसके सारे दरवाजे हैं, सारा वुड वर्क किया गया है, और इसी तरह अगर हम इसकी फ्लोरिंग्स की बात करें तो बहुत ह्यूज साइज़ की फ्लोरिंग्स हैं। टर्किश जो है कारपेट्स रखे गए हैं जो कि हैंडमेड हैं। इस तरह डिटेल वर्क आपको नज़र आता है कि इसके अंदर जो है हमें मोटिव्स नज़र आ रहे हैं, इसमें काफ़ी डिटेल में वॉल पैनलिंग की गई है। फर्नीचर को आप देख सकते हैं कि डार्कर टोन में रखा गया है, और बाकी जितना भी हमारा एम्बियंस है वो लाइट कलर में है। इसमें जो आर्ट वर्क किया गया है बहुत डिफरेंट है, नॉर्मली इस तरह के आर्ट वर्क जो है बहुत कम घरों में नज़र आते हैं। एक बहुत खूबसूरत जो है आपको फायर प्लेस मिलती है, और आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रास भी है, कभी इस्तेमाल है, और इसमें
जो है आपको जो है इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिलती है। इसी तरह ये आपकी एक और कॉमन प्लेस है, सिटिंग प्लेस है, इसके साथ यहाँ पे भी आप अपनी सिटिंग स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसका जो व्यू है वो फ्रंट एलिवेशन का है और बिल्कुल सामने आपको सारी घर की लैंडस्केपिंग नज़र आती है। अगर आपके बच्चे हैं वो आप इस एरिए को पूरा वॉच कर सकते हैं अपने लाउंज एरिया से। तो इसमें जो है एक बहुत ह्यूज साइज का आपको स्मार्ट टीवी मिलता है, सारे फुली कैमराज इस घर के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, जितना भी फायर अलार्म सिस्टम है फुली इक्विप्ड है इस घर के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है इस घर की कि इस घर के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक आईपैड या टच पैनल्स के ऊपर मिलती हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिफिकेशन इस घर के अंदर की गई है, और यह मैं आपको इसके मास्टर सूट की तरफ लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक और बेज कलर को ज़्यादा ब्लेंड किया गया है। इस तरह अगर आपको इसका एक और मेन फीचर दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखें कि इसमें सारी जितनी भी एम्बियंस है वो आप एक टच के ऊपर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट स्विचेस जो हैं पूरे घर के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, और ये आप घर के बाहर से भी जब आप घर आने वाले हों तो अपनी लाइट्स एसी वगैरह इंस्टॉल कर जो है ऑन कर सकते हैं। सो मज़े की बात ये है कि इसमें आप इंटीरियर इसका देख सकते हैं, बहुत एक बड़ी खूबसूरत आपको एक वाइब यहाँ पर मिलती है। आपको एक आप देख सकते हैं 180 डिग्री पर आपको पूरा एक व्यू नज़र आता है। इस घर के अंदर जितनी भी फर्नीचर पर एसेसरीज इस्तेमाल की गई हैं, जितने भी आप इसमें बेडशीट रखी गई हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें भी प्रॉपर एक डिटेल आपको नज़र आती है, हर चीज़ की कनेक्टिविटी है। सो बहुत खूबसूरत इस बेडरूम का जो है एम्बियंस है, और आप देख सकते हैं कि डार्क कलर की फ्लोरिंग्स हैं, वुडन फ्लोरिंग्स हैं। इसके साथ ही अगर हम आपको उसके मास्टर वॉशरूम की तरफ लेके चलें तो इसमें सारे सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं। जैसा आपने देखा होगा कि मेरी एंट्री हुई है तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ओपन हो गई हैं। सो स्पेनिश टाइल्स में इस्तेमाल की गई हैं। राइट साइड पर ह्यूज क्लोज़ेट रेंज आपको मिलती है, और ये भी बहुत सॉलिड क्वालिटी की इसमें सारी एसेसरीज ऑलरेडी इंस्टॉल की गई हैं। शैंडलियर आपको इस वॉशरूम में भी नज़र आता है। एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट जो है वो ये है कि इसकी इस वॉल का है, आप देख सकते हैं कि इसमें मोज़ेक आर्टवर्क किया गया है बहुत खूबसूरती से जो है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आर्टवर्क नुमाया है। इंपोर्टेड जकूजी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, और एक बहुत खूबसूरत जो है वॉल माउंटेड कमोड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड में जो है वो रखा गया है। ग्रोवे की फिटिंग्स इस्तेमाल की गई हैं। बिल्कुल सामने जो है इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया जो है वो दिया गया है। और अगर आप ग्लास का भी अगर आप आर्ट वर्क देखें तो आपके सामने हर डिटेल में एक हर चीज़ नुमाया नज़र आती है। सो गोल्ड और बेज और लाइट कलर्स को ज़्यादा इस एरिया के अंदर ब्लेंड किया गया है। तो ये जो है हमारा मेन शोकेस किचन है। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जो है इसका किचन आइलैंड है, और इसमें बहुत ह्यूज साइज़ का जो है आप देख सकते हैं कि स्टोन रखा गया है। बहुत खूबसूरत एक एम्बियंस है, एक वाइब है। सारी एसेसरीज इसमें इंस्टॉल की गई हैं। फ्रैंकी की सारी अप्लाइंसेज इसमें आपको मिलती हैं। डबल डोर फ्रिज है, बर्नर है, ओवंस हैं। और आप डिटेल का काम देखें तो हर चीज़ में आपको एक आर्टवर्क या एक फ्रेंच क्लासिकल थीम जो है नज़र आता है। बहुत खूबसूरत जो है शैंडलियर यहाँ पर ड्रॉप किया गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्टोरेज कैपेसिटी इस जो है किचन के अंदर रखी गई। राइट साइड पे हमारा ड्राइंग भी एक्सेस है कि आपके गेस्ट आते हैं तो आप यहाँ ही से चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो ये हमारा मेन जो है शेफ किचन है या ग्रीस किचन है, और यहाँ पे आपके शेफ जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। शेफ्स के लिए भी जो है एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखी गई है कि वो यहाँ से अपनी जो है एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ ही जो है आप देख सकते हैं कि यह हमारा वॉशिंग एरिया है, यहाँ पर आप मशीन वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पर सारी वॉशिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक और स्टोरेज एरिया दिया गया है जिसको हम पैंट्री भी कहते हैं, और यहाँ पे भी आपको काफी स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है हमें दो बेडरूम्स मिलते हैं, एक मास्टर सूट है और एक हमारा बहुत खूबसूरत बेडरूम है जो हम आपको शोकेस कराने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बेड के राइट और लेफ्ट साइड पे बहुत खूबसूरत नेचुरल लाइट की एंट्री नज़र आती है, और फैब्रिक बहुत खूबसूरत है, इम्पोर्टेड है। इसी तरह अगर हम इसकी छोटी छोटी डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ में एक ब्लेंड नज़र आता है, वॉल से ले कर बेड फर्नीचर से ले कर यहाँ तक के जितने भी ये कॉन्सोल्स रखे गए हैं या जितने भी ये डिटेल है, हर चीज़ में एक कनेक्टिविटी है। सो आप देख सकते हैं कि बहुत लाइट कलर का इंटीरियर है, बहुत ज़्यादा डिटेल भी है, लेकिन हर चीज़ को इतनी खूबसूरती से इंटीरियर डिज़ाइनर ने ब्लेंड किया गया कि आपको किसी चीज़ में कोई कटिंग या डिफरेंशिएशन नज़र नहीं आती। तो ये हमारा एक बहुत खूबसूरत एक जो है आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का एक वॉशरूम है, और बहुत खूबसूरत एरोमा है इस वॉशरूम का। और लेफ्ट साइड के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। फ्लोटिंग वैनिटी दी गई है, कस्टमाइज डिज़ाइन हैं, वो सांची की सारी एसेसरीज इसमें इंस्टॉल की गई हैं। और बैक साइड पे हमें वॉल माउंटेड कमोड मिलता है, और अगर आप आपको डिटेल दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक और गोल्ड कलर को ब्लेंड किया गया है। लाइट्स हर डिटेल में इंस्टॉल की गई हैं, गोल्ड शावर भी है, और जिसमें सारी ग्रोहे की फिटिंग्स जो हैं इस्तेमाल की गई हैं।
तो ये हमारी बहुत खूबसूरत जो है आर्किटेक्चर स्टे केस है। आप देख सकते हैं कि इसकी डबल एंट्रीज हैं, डबल आर्किटेक्चर स्टे केस है और एक फ्रेंच जो है क्लासिकल पैटर्न पे इसका सारा इंटीरियर है, इसका आर्किटेक्चर है। और ये हमारी एक लैंडिंग स्पेस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत वाइब आपको यहाँ पे मिलती है, बहुत खूबसूरत चैंडलियर आप देख सकते हैं इसको ड्रॉप किया गया है। तो जो ये हमारा फर्स्ट लेवल है और फर्स्ट लेवल पे आप देख सकते हैं कि ऊपर आती एक सिटिंग स्पेस दी गई है, बहुत सामने जो है ह्यूज साइज की विंडो हमें मिलती है, नेचुरल लाइट आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे हमें किचन एरिया को रखा गया है, अगर आप फर्स्ट लेवल के ऊपर हैं तो इस किचन को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत स्मार्ट साइज का किचन है। इसी तरह कॉरिडोर जो है वो बहुत खूबसूरत हैं और आप देख सकते हैं कि रेलिंग पैटर्न आपके साथ चल रहे हैं, ग्राउंड लॉबी का एक पूरा व्यू है। इसके साथ ही ये हमारा जो है लाउंज स्पेस है जो कि फ्रंट एलिवेशन के फेस जो है लोकेटेड है और इसमें यहाँ पे एक सिटिंग स्पेस दी गई है कि आप ऑफिस एक्टिविटी जो है वो घर से भी कर सकते हैं। और आपका एक बहुत ह्यूज लाउंज है, शैंडलियर बहुत खूबसूरत ड्रॉप किया गया है। और इसी तरह अगर आपको एक और एलिमेंट दिखाऊं तो एक बहुत ह्यूज साइज की जो है यहाँ पे हमें पूल टेबल मिलता है। इसी तरह यहाँ पे भी एक विंडो दी गई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक बैल्कनी है, बहुत खूबसूरत जो है नेचुरल लाइट हर जगह से आपको 180 डिग्री पे मिलती है। सो बहुत ह्यूज साइज का टेबल है, यहाँ पे सारी एसेसरीज इसकी इंस्टॉल की गई है और वॉल पैनलिंग्स भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। सो इसके साथ ही जो है मैं आपको इसके बेडरूम्स की तरफ लेके चलता हूँ। हमें टोटल 4 बेडरूम्स जो हैं फर्स्ट लेवल के ऊपर मिलते हैं, एक लाउंज एरिया है और एक किचन है। फर्स्ट लेवल के ऊपर जो है हम आपको पहला बेडरूम दिखाने जा रहे हैं जो कि वैसे इस घर का हमारा 3rd बेडरूम है और आप देख सकते हैं कि बेज कलर को और वाइट कलर को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। और आप इसका फर्नीचर देख सकते हैं कि इसके पैटर्न जो हैं बहुत एक वेव पैटर्न, बहुत खूबसूरत पैटर्न हैं। राइट और लेफ्ट साइड पर हमें ह्यूज विंडोज़ मिलती हैं, डबल ग्लेज विंडोज़ हैं और टर्किश फैब्रिक के जो है इसमें कर्टन इंस्टॉल किया गया है। आर्ट वर्क आपको हर डिटेल के अंदर नज़र आता है, आप देख सकते हैं कि फर्नीचर से लेके वॉल ट्रीटमेंट से लेके वॉशरूम से लेके हर चीज में कनेक्टिविटी है। ब्लैक और गोल्ड कलर का इसका जो है डार्क वॉशरूम है जो कि एक बड़ी लग्जरी वाइब आपको मिलती है। और अगर हम आपको इसकी डिटेल दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो डिटेल है या इसके जो एजेस हैं बहुत ज्यादा डिफाइंड है। इस वॉशरूम के अंदर जो है हमें एक फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है, बैक साइड के ऊपर जो है हमें सारा जो है क्लोजेट ड्रेन मिलती है। डिटेल अगर मैं आपको दिखाऊं तो वॉशरूम के डोर पे भी जो है आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत खूबसूरत जो है आर्टवर्क है, इसके जितनी भी डिटेल है वो आपको नजर आती है। तो ये जो है हमारा एक और बेडरूम है और आप देख सकते हैं कि इसका भी जो इंटीरियर है वो लाइट टोन के अंदर रखा गया है, बहुत स्मार्ट साइज है और बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं कि फ्रेंच क्लासिक जो है क्लासिकल जो पैटर्न है इसके बेड के वो बहुत डिफाइंड है। इसी तरह मैं अगर आपको इसका एक वॉशरूम भी दिखाऊँ तो वॉशरूम भी जो है वो इसका बहुत खूबसूरत है, लाइट टोन में रखा गया है वॉशरूम को और इसका एम्बियंस, इसकी वाइब गोल्डन कलर का आप देख सकते हैं कि इसका सारा इंटीरियर ब्लेंड किया गया है। सो इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है, स्पेनिश टाइल इसमें इस्तेमाल की गई है, फ्लोटिंग वैनिटी है और बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं कि गोल्ड और वाइट कलर को इस्तेमाल किया गया है। तो फर्स्ट लेवल के ऊपर जो है हमारा ये 3rd बेडरूम है और इस घर का जो है वो 5th बेडरूम है और आप देख सकते हैं कि इसकी भी जो वाइब है हर चीज़ में एक कनेक्टिविटी है। आप किसी भी बेडरूम में चले जाएं, वॉशरूम में चले जाएं, किचन में चले जाएं, आपको हर जगह पे एक फ्रेंच क्लासिक पैटर्न्स हर डिटेल में आपको नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत बहुत एक लाइट चैंडलियर यहाँ पर ड्रॉप किया गया है, सिटिंग स्पेस लेफ्ट साइड पर डिज़ाइन की गई है और फैब्रिक की क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। और इसी तरह इसकी बैक साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको एक जो है जूलियट बालकनी मिलती है जिसका जो वाइब है वो बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ही अगर मैं आपको इसका मेन वॉशरूम की तरफ लेके चलूं तो ये हमारा मेन वॉशरूम है और इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसमें वर्साची की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, फ्लोटिंग वैनिटी है, डिटेल बहुत खूबसूरत है और इसमें सारी स्पेनिश टाइल्स हैं। राइट साइड के ऊपर हमारी पूरी क्लोजेट रेंज है, इसकी डिटेल भी आपके सामने बिल्कुल नुमाया है और इसमें सारी जो है अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊँ तो सारा सॉलिड वुड जो है इसमें इस्तेमाल की गई है। एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट जो है आपको मैं दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि हर चीज़ में एक डिटेल आपको नज़र आती है। और इसी तरह इसमें ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है और साथ हर जगह पे विंडो है, बहुत खूबसूरत प्लानिंग है, बहुत खूबसूरत इंटीरियर है।
तो ये इस घर का एक बहुत खूबसूरत एक हाई एंड जो है इसका एक और मास्टर सुइट है जो कि बहुत ह्यूज साइज का है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने जो है राइट साइड में हमारी पूरी मीडिया वॉल को ट्रीट किया गया है, साथ हमारी सिटिंग स्पेस है और बालकनीज हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर है, पूरा लॉन और फ्रंट एलिवेशन जितना भी हमारी एंट्री है घर की पूरा एक व्यू हमें मिलता है। इसके साथ ही अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को में एक कनेक्टिविटी है, जितनी भी इसके अंदर डिटेल्स है आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है। फर्नीचर की लाइफ टाइम वारंटी है, अगर आप उसमें कोई भी इश्यूज आए तो कंपनी उसको बेयर करती है। सीलिंग्स बहुत डिफरेंट हैं और इसी तरह जो अगर मैं आपको इसका एक मास्टर वॉशरूम दिखाऊं तो जो कि बहुत खूबसूरत वॉशरूम है, इस घर का सबसे खूबसूरत वॉशरूम है और आप देख सकते हैं कि लाइट कलर को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, डिटेल बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा पॉप आउट नहीं हो रही, मेन आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वही ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। इस तरह आप इसके लीफ पैटर्न्स की टाइल देख सकते हैं, इसको बहुत खूबसूरती से जो आप देख सकते हैं कि पूरा बुक मैच किया गया है और बहुत खूबसूरत जो है आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी वैनिटी का एरिया है, लेफ्ट साइड पे हमारी पूरी एक स्टोरेज रेंज है, बैक साइड पे एक शॉवर एरिया मिलता है, बिल्कुल साथ ही हमारा एक गोल जो है आप देख सकते हैं कि वॉल माउंटेड कमोड है, ग्रोहे की फिटिंग इंस्टॉल की गई है, बैक साइड के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि ये आप अगर आप इस एरिया को यूटिलाइज़ करें तो पूरा एक 180 डिग्री का एक पूरा व्यू है और बहुत खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर जकूजी रखी गई है तो अगर आप यहाँ पर बात लें तो पूरा एक 360 व्यू आपको सामने नज़र आता है। तो उम्मीद है आपको इस घर का टूर पसंद आया होगा। 40 करोड़ इस हाई एंड मैंशन की डिमांड है, फ्रेंच क्लासिक आर्किटेक्चर है और सारा इंटीरियर है। फैसल रसूल साहब और समीर फैसल ने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के अंदर और अगर आप इस घर को डिज़ाइनर प्रोजेक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। टोटल 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, फुली फर्निश्ड है, फुली इक्विप्ड है, DHFA 5 एक हाई एंड लोकेशन है। सो हमसे रब्ता करें और हम आपको इसका हाउस टूर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।